जेएनयू में हुए हमले के खिलाफ एआईएसए ने बेतिया के केंद्र बेतिया में केंद्र सरकार का जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। नरकटियागंज में उप स्वास्थ्य केंद्र खाली कराने गए मजिस्ट्रेट से ग्रामीणों ने हाथापाई करने का मामला सामने आया है। लौरिया में छात्रों को आत्मरक्षा के लिए जागरूकता किया जा रहा है, साथ ही प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मंझौली में अक्षरा सह के प्रोग्राम के नाम पर लाखों की अवैध टिकट काटकर प्रोग्राम नहीं कराए जाने की बात सामने आई है, पुलिस आयोजकों पर प्राथमिकी दर्ज करेगी। नरकटियागंज के शिवगंज चौक पर कंप्यूटर दुकान से 90,000 कैश और आधा दर्जन लैपटॉप चोरी करने का मामला सामने आया है, पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। नौतन में जंगल से भटक कर आए बंदर से ग्रामीण परेशान है, वन विभाग को सूचना देने के बाद भी कोई पहल नहीं की जा रही। बगा के रामनगर प्रखंड के पीएचसी अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा ठप होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है, गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस सेवा नहीं मिलती है। रामनगर प्रखंड के बकरी बाजार में एसएसबी बटालियन की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों के साथ बच्चों ने भी हिस्सा लिया। बगा एक प्रखंड के वार्ड नंबर 23 बुधवारी टोला और नवगी बाजार को जोड़ने वाली पीसीसी सड़क निर्माण में मलबे को हटाए जाने का काम शुरू हो गया है। बगा दो प्रखंड का एनएच 727 गड्ढे में तब्दील हो गया है, यहां जल जमाव और कीचड़ से वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो गई है और जाम की स्थिति भी बनी रहती है। मधुबनी प्रखंड का पीएचसी अस्पताल भगवान के भरोसे चल रहा है, यहां का पीएचसी प्रभारी डॉक्टर बलेश्वर शर्मा अपने निजी अस्पताल में व्यस्त रहते हैं। रामनगर प्रखंड के समय के थरूहट विकास अभिकरण की ओर से कैंप लगाकर 25 थारू आदिवासी जनजाति को युवाओं को ड्राइविंग लाइसेंस वितरण कर प्रशिक्षण दिया गया है।